ठीक है, फाइनली आज हमारे घर पे HDFC मनी बैक क्रेडिट कार्ड रिसीव हो चुके हैं। तो आज इसका हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि हमें कितना लिमिट मिला है और इसको लेने के लिए हमें क्या सब करना पड़ा है। तो फटाफट इसको हम खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर में हमें कैसे मिल जाता है। ये हमें कल ही रिसीव हुई है बट मैं इसका वीडियो आज बना रहा हूँ, देख सकते अभी तक मैंने इसको खोला भी नहीं है। तो अभी इसको खोलते हैं। इसको खोलने के बाद जो हमें अंदर में ये सब मिलते हैं जो कि कुछ डॉक्यूमेंट है और इसके अंदर में हमें और भी चीज़ मिलते हैं। देख अब ये खाली है और हमें ये मिले हैं, ये मिले हैं, ये सब हमें मिल जाता है। टर्म एंड कंडीशन का पेज वगैरह और इसमें आपको यूज करने का भी तरीका बताया है। पिन कैसे बनाना है आप वो भी इसमें से देख के बना सकते पिन। उसके बाद इसमें हमारा कार्ड है तो अब इसको खोलते हैं। देखो ये है हमारा कार्ड। ओके, इसको अभी यहाँ से हम निकालते हैं। ये चिपकाया गया है तो इसको आप निकालोगे आराम से। देखो ये हमारा कार्ड, इस पर ये एक बताया गया है कि आपका जो ट्रांजेक्शन है अभी वो डिसेबल किया गया है, आप इसको कैसे इनेबल कर सकते हैं उसका प्रोसेस आपको यहाँ पे बताएं। आपको विजिट करना है माई कार्ड cards.hdfcbank.com, उसमें आपको बताएं लॉगिन करना है, कार्ड सेलेक्ट करना है और कार्ड कंट्रोल में जाके इसको इनेबल करना है। उसके बाद आपका ये कार्ड जो है इनेबल हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए। तो अब इसको हम हटाते हैं। देखो ये है हमारा गाइज, ये है हमारा मनी बैक क्रेडिट कार्ड। इसमें हमें मिला है 75,000 का लिमिट, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। और ये हमारा कार्ड है फ्रंट साइड का और ये हमारा बैक साइड का। बैक साइड में आपको ये एक ब्लैक कलर का ये मिल जाता है, आपका CVV नंबर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और ये आपका कार्ड नंबर है, इधर से आपको कार्ड नंबर मिल जाते हैं। ये सब एक प्राइवेसी के लिए होते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पे हाइड करके रखा हूँ, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। आप इस साइड का देख सकते हैं, साइड में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें हमें 75% का लिमिट मिले हैं और यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन वाले पेज में जो है आपको ये एक मिलते हैं, आपको एक स्टार्ट का पेज मिलता है। आप इसको एक बार ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया गया है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट फ्री जो है वह है 50 दिन के लिए। आप 50 दिन के अंदर में इसका बिल पे कर दो तो आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता। और यहाँ पे बहुत सारे बताए गए हैं, आप इसको एक बार ज़रूर से पढ़ लेना, ये आपके लिए काम की चीज़ है। क्या देखो ये मुझे कैसे मिला, आज से पहले मैंने भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करा हुआ था HDFC बैंक में और एक्सिस बैंक में, बट वहाँ पर मेरा जो है रिजेक्ट हो गया था। रिजेक्ट हो गया क्योंकि मेरे पास जो है कोई इनकम प्रूफ नहीं था और मेरे पास जो है मेरा सिविल स्कोर भी 0 था, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी लोन पे कुछ लिया ही नहीं था। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक FD अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लिया, उसको मैंने यूज किया, उससे जो है हमारा सिविल स्कोर बन गया। सिविल स्कोर बनने के बाद जो है मैंने HDFC बैंक में अकाउंट ओपन करा लिया और अकाउंट ओपन करने के बाद जो है उसी अकाउंट से मैं ट्रांजेक्शन करने लगा। हर महीने मैं अकाउंट में जो है 20 से 30 हज़ार रुपये रखा करता था और उसी अकाउंट से जो है ट्रांजेक्शन करने लगा। उसके बाद हमें बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड ऑफर आया था कि आप अपने अकाउंट पर एक्टिवेट हैं, आपका जो हिस्ट्री है बैंक में वो अच्छा बन गया है, तो आपको ये जो है प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड मिला है, तो इसको आप क्लेम कर लीजिए। फिर मैंने इसको नेट बैंकिंग में लॉगिन किया, उसको मैंने क्लेम कर लिया है। तो गाइस आई होप आप यहाँ पर समझ गए होंगे ये क्रेडिट कार्ड हमें कैसे मिला। गाइस इसका रिन्यूअल फी है 1,000 रुपीज़, बट आप 1 ईयर में अगर आप 75,000 का ट्रांजेक्शन करते हो इस क्रेडिट कार्ड से तो आपका रिन्यूअल फी जो है वो माफ़ हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।